आदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्व प्रलव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यवर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिञ्च तत्पोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्तशिष्यं श्रीशङ्कराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोडकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरो सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानां पालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ शान्ति 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 दुष्टवरं यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्चभोगान् सविष्टान् पश्चाच्चन्यान् स्वमतिविद्वान् ज्योतिषेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरवीक्षणे स्वात्मने स्थापयित्वा विद्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणम् आत्मशो आगम प्रकरण में सूर्य नाथ के आधार पर जगत में पारमार्थिक सत्य के लिए ये देखते हैं। फिर प्रकरण में युक्ति के सहारे और सूर्य नाथ की युक्ति के सहारे जगत की मिथ्या का प्रतिपादन है। तो जब डॉक्टर स्वप्न सुषुप्त सभी मिथ्या शक्ति हुआ तो उसका अधिष्ठान भी मिथ्या ज्ञान तो अद्वैत भी मिथ्या हो तो अद्वैत मिथ्या नहीं है। स्वप्न विश्व सारा वस्तु मिथ्या होने पर भी स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं है। इसको प्रतिपादन करने के लिए अद्वैत प्रकरण आया है। न कि सूर्य से अद्वैतवादी अद्वैतवादियों में मुख्य रूप से इस कारण से भेद दिखाई पड़ता है। वेदवादी सोचते हैं कि जन्म मृत्यु जरा गति शुभ दुख दुख व्यास प्रवृत्ति निवृत्ति अलग अलग चीज़ों की अलग अलग दिखाई इसीलिए आत्मा अलग अलग होना चाहिए क्योंकि प्रवृत्ति तो चेतन नहीं होता जन्म तो प्रवृत्ति नहीं होती। और वेदांती बोलते हैं उपाधि जड़ होने पर भी चेतन अधिष्ठाता के रहने के कारण और चेतन जैसा प्रकृति होता है चेतन जैसा प्रभाव और उपाधि के भिन्नता मानने से काम हो जाता है। अधिष्ठान जो मूल तत्व है उसके भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। इस श्रुति वाक्यों के आधार पर
सूक्ष्म जैसा दिखा, सृष्टि के सूक्ष्म में एक हमें भाग दे दिया और फिर विषय का वस्त्र ऐसा अपने के दम से हम तक सत्य आत्मा का तुम शिष्य को दे दिए। बस वो तो सूक्ष्म तत्व है जिसके साथ हम दुखे करना वही तत्व वही तो वही सत्य है। इस प्रकार श्रुति परिवार बीच में जो भी कुछ खा उसको निषेध रूप से इसी प्रकार जो है मीनदान का उपनिषद में भी मोटा मोटा ब्राह्मण में स्थूल सृष्टि स्थूल सूक्ष्म सृष्टि दोनों को देखा करके फिर अपने आश्रम के निषेध कर देते हैं। जहाँ कहीं भी जैसे मुंडक उपनिषद में सामना ने पूछा था कश्मीर में भगवत लिखने के सर्वविधन देखना मंगल होगी तो सारा सृष्टि दिखा करके फिर आदमी के दो बार बोल दिया ब्रह्म एक एकदम विश्व और पुरुष एक एकदम विश्व जो भी कुछ है वो पूर्ण तत्व अकेला है इसके ऊपर सारा प्रकृति मान इसके लिए इस प्रकार की दस्तुति वाक्यों की जो श्रुति में आए भी अश्रुति वाक्यों की उसकी समन्वय कैसे करोगे तो क्या उपाय से अवतारा ये हस्त है ना। क्या उपाय है कि एकत्व बुद्धि को एक दृढ़ करने के लिए श्रुति ने एक उपाय को अपनाया क्योंकि सभी व्यक्ति को सामान्य रूप से समझ में आता है कि कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता ठीक है ना। यदि यही है तो समस्त जगत की यदि एक मूल कारण होगा तो क्या हो जाएगा जितने भी भिन्न भिन्न चौरासिला जोड़ी में जितने भी जीव दिखाइए सबका मूल कारण एक होने के कारण सभी उसी का ही विकार है। इसलिए सब में जिस प्रकार खरा आदि विकार मात्र है पाचार बेकारो नाम वृत्ति का एक ही वर्ष मूल कारण ही एकमात्र सत्य। इसलिए जो ऊपर से जितना प्रकृति दिखाई पड़ता है ये पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। और श्रुति ने इस एकत्व तत्व को प्रतिपादन करने के लिए एक उपाय के रूप में अध्ययन कर दिया होगा क्योंकि उपासना आदि की जो कथन है कर्म उपासना आश्रम उपासना अनुकम है। श्रुति की अभिप्राय है सभी मुमुक्ष साधक अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त हो तो जो साधक जिस अवस्था में है उसको वहाँ से ऊपर ऊपर उठाने के लिए कर्म शास्त्र कर्म और उपासना का विधान किया गया है। इसका उपयोगिता इतना ही मात्र है क्योंकि ज्ञान होने पर अपने आप समझ में आता है कि कर्म और उपासना है ये कल्पित भेद को लेकर के क्योंकि वेद में जितना भी कर्म के विधान किया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध और ब्राह्मण के बारे में संन्यास इस भाव को विभाजन को आश्रय करके कर्म के विधान किया गया है। तो अब जो है ये विभाजन तो शरीर की है ब्राह्मण क्षत्रिय तो दृश्य कहाँ पे है शरीर में पर आश्रम धर्म भी शरीर संबंधित है कुछ मन माइंड का पार्ट भी है क्योंकि दोनों की स्थिति पारमार्थिक नहीं मानती है। परंतु जो है आत्मा में भिन्नता नहीं है उपाधि में भिन्नता है और उपाधि की क्रिया को हम नहीं समझने के कारण आत्मा में आरोप करते हैं। इस दिन समझ जाएंगे ये आरोप क्यों है उपाधि वैसी है कि जब तक प्रारंभ है तब तक उपाधि दिखेगी परंतु आरोप छोड़ दिया। तो इस प्रकार मतलब सृष्टि बात को भी कोई विरोध नहीं है फिर उपासना और क्रिया के साथ भी हमारे कोई विरोध नहीं है अपने दृष्टिवादी के सिद्धांतों के साथ आपका विरोध है या तो जब उनके सिद्धांत को पूर्ण शुद्ध सम्मत नहीं है इसलिए विरोध की प्रतीति होती है उनको विरोध दिखते हैं आपस में लड़ते हैं अति कई गाय अपना विरोध करते उनके साथ हमारे अद्भुत सिद्धांत विरोध नहीं करते क्योंकि हम सभी को अपना आत्मा मानते हैं हम अपने हाथ पैर के साथ कभी विरोध नहीं करते हैं। ऐसे कभी हम व्यवहार करते हाथ से उंगली से हमारे आँख में कुछ लग गया अथवा दांत ने जीवना को काट दिया हम मुक्रमण के दांत को नहीं गिरा देते क्यों आत्मत्व बुद्धि है। इसी प्रकार पूरा सृष्टि में जब अपने को अपने सभी रूप में अभिव्यक्त कर देखते हैं तो कोई विरोध व्यक्ति बोलने पर कि उसके साथ हमारा विरोध नहीं है क्यों हम उसको अपना स्वरूप रूप में देखते हैं इसलिए हमारे उनके साथ विरोध है ठीक है यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो है धीरे धीरे करके श्रुति वाक्यों के तात्पर्य इसमें है श्रुति के दो भाग है एक अनुवाद भाग है एक प्रतिपाद्य भाग है। अनुवाद भाग क्यों है क्योंकि जो चीज़ हमने समझ रखा उसी को हमको पकड़ करके समझाना है इसलिए अनुवाद करते हैं। हाँ तुमको गए तो दिख रही है ठीक है देखो देखिए और एक प्रतिपाद्य द्वैत तो अन्य प्रमाण के द्वारा दिखाई देता है और प्रत्येक प्रमाण की प्रमेय वस्तु अलग अलग होती है। श्रुति को भी जब आपने प्रमाण माना तो उसके लिए कोई प्रमेय वस्तु हो वो प्रमेय वस्तु दूसरा किसी भी प्रमाण के प्रमेय के साथ विरोध नहीं करते लेकिन प्रत्येक प्रमाण के प्रमेय अलग अलग होता है प्रत्येक प्रमाण के प्रमेय वस्तु अलग अलग होते हैं। आँख से आप शब्द नहीं सुन सकते कान से आप रूप नहीं देख सकते
प्रमाकरण प्रमाणम, प्रमा के लिए असाधारण कारणम कारणम, इसके लिए असाधारण कारण है। इसीलिए जो है श्रुति भी प्रश्रुति की प्रतिभा का विषय है, जब ये देखेंगे वो क्या है एकत्व प्रतिपादन श्रुति का आकार, एकत्व बोध की स्तुति की गई और भेद दर्शन की निंदा की गई, इसलिए श्रुति की तात्पर्य एकत्व दर्शन नहीं है। और इसलिए आप इस दूसरे प्रमाण के साथ इसका विरोध भी नहीं है, क्योंकि दूसरा किसी प्रमाण के साथ इसको जाना नहीं है, दूसरा किसी प्रमाण का एकमात्र शास्त्र ही आ जाता है। तो ये भेद हमको दिखते क्यों, तब बोलते हैं कि देखो अकेला होते हुए भी अनेक रूप में दिखाई कैसे देते हैं, अकेला होते हुए भी और एक रस अकेला होते हुए भी अनेक रस अलग अलग दिखाई कैसे, तब तुम अपने ही अपने सपनों को देखो, स्वप्न में तुम्हारे पास क्या क्या वस्तु होते, कुछ नहीं, अकेला तुम हो और उसके साथ तुम्हारी मन जागृति उपासना, उसी को तुम अकेला होते हुए भी इतने रूप सृष्टि कर लेते हो और हम शुभ रूप से बोलते हैं, जैसे यथा स्वप्न द्वया भाषम स्पंदते माया मन, है ना, जैसे स्वप्न में जो दैत्य के आभास दिखाई पड़ते हैं तो वासना के निस्पंदन के कारण ही प्रकृति मात्र होती है, तथा जागृत द्वया भाषा स्पंदते माया मन, उस प्रकार जागृत में भी जो दैत्य प्रकृति दिखाई पड़ता है वो हमारी वासनाओं के कारण जन्मांतरी संस्कार से हमारे अंदर कर्तित्व भोक्तित्व बुद्धि इतना धीरे होकर के बैठा हुआ है, परिच्छिन्न मान्य में हम अपना गर्व अनुभव करते हैं, मैं ये जानता हूँ ये मेरे पास है ये मेरे पास है, उस हम गर्व अनुभव करते हैं, किसी संस्कार को मिटाने की स्थिति बोलते हैं, इसमें कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, ये केवल मत तुम्हारी भौतिक मान्यता है। कल हम लोग यहाँ तक कर रही थी है ना 29 तक हो गया, आज 30 से शुरू होगा ना, जो बोल करके आया आप बोलते हैं आप तो जगत के कारण किसको बोलते हो, ब्रह्म को बोलते जगत को अभी निमित्त प्रदान करो, और अभी जो प्रकृति दिखाई क्यों गए हैं मन को लेकर के बोलते, आप बोलते बोलते भूल जाते हैं क्या बोल रहा है, आप बताओ कि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे हैं सर, आपको आपको जब सर को दिखाई दे रहे हैं तो जो भी कुछ व्यवहार दिखेगा सर को नहीं दिखेगा, जो भी कुछ व्यवहार दिखेगा आप बोलेंगे सर पर हिल रहा है, सर को हमको काटने आ रहा है, वो इतना लंबा है इतना रज्जु नहीं बोलेंगे, अब इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म को पर आत्मा को पर मन कल्पित है, व्यवहार कहाँ दिखेगा मन में दिखेगा ना, मन के अधिष्ठान रूप में देखेंगे उनके कोई व्यवहार, और मन ब्रह्म से अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, अधिष्ठान के साथ एक होकर जो व्यवहार होता है व्यवहार की प्रतीति होती है, मतलब व्यवहार में है, इसीलिए आपने देखिए 39 के लिए उपोद्घात होता है मनो ब्रह्मचर्य इति कारणद्वय, 174 ठीक है ना, मनो ब्रह्मचर्य इति कारणद्वय तरी द्वैतम स्वीकृतम, तो आपने दो कारण मान लिया, क्या कारण माना एक ब्रह्म और एक मन, दोनों कारण माना, तब तो आपने द्वैत की मान्यता ही दे दी, इसलिए यदि हम माया अथवा अविद्या को अलग करके पारमार्थिक मान्यता देते हैं तो क्या होगा, वो हमारा सिद्धांत ही हानि होता है, शास्त्र में अधिक कल्पना को अपने सिद्धांत को समझाने के लिए आपको किसी एक गणित को सॉल्व करना है, आप वहाँ पे एक शिशु का जो समथिंग एक माना उससे यदि काम चलते हैं तो दो तीन मानने की आवश्यकता नहीं है, उसको गौरव दोष बोलता शास्त्र, अपने सिद्धांत को समझाने के लिए यदि हम दो तीन कल्पना कर देते हैं उसको गौरव दोष बोलते हैं, एक से काम चलते हैं, मैं बताया था कि देखो एक ही कपड़े के ऊपर जब मकान दुकान और लोग व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अलग अलग कपड़ा पहने हुए अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कपड़ा पहने हुए एक चित्र के ऊपर, एक कपड़े के ऊपर चित्र बनाया उस चित्र के ऊपर अलग अलग कपड़ा पहनते हुए कोई सफेद कोई काला कोई पीला अलग अलग लोग व्यवहार करते दिखाई देते हैं ना, परंतु मूल का कपड़ा कौन है, उस मूल कपड़े के ऊपर ही छोटा छोटा कपड़ा दिखाई दे रहा है, मूल कपड़ा तो ही है उसी को पूरा रंग का दाग लगा दिया तो वो अलग कपड़ा हो गया, जैसे ठीक इसी प्रकार मूल पूर्ण व्यापक तत्व के ऊपर ठीक उसके ऊपर अपने कल्पना के अमार लगा तो माया लगाया, वो माया के ऊपर ही ऊपर अलग हमारे यहाँ पे जो है मुख्य सिद्धांत है पूर्ण व्यापक तत्व ही माया से परिच्छिन्न रूप में प्रकृति हो गया, अवयव जिस प्रकार अनेक अवयवों को जोड़ करके अवयव को बनाया जाता है वेदांतिक सिद्धांत ये नहीं है, वेदांतिक सिद्धांत को पूर्ण तत्व ही अनेक को जोड़ करके एक नहीं बना, एक अनेक रूप में प्रतीति माया को,
इस कारण से यहाँ पे बोलते आपने तो अप्रो मान लिया, बोले हमने अप्रो कभी नहीं माना। मनो ब्रह्म चाहिए कारण द्वयम करे, तब मन और ब्रह्म दो कारण हो गया, तब तो द्वैतम से प्रेतम, तब तो अपने द्वैत को मान्यता दे ही दिया, सिद्धांत तो हानि हो गया। क्योंकि आशंका ऐसा जो शंका करते हैं तब दृष्टान्त ही नीला चे नहीं नहीं उसको दृष्टान्त के द्वारा इस शंका को निराकरण करते हैं, दृष्टान्त के द्वारा इस शंका को दृष्टान्त ही नीला चे निराकरण। श्लोक अद्वयं च द्वयाभासं, अद्वयं च द्वयाभासं, मनःस्वप्नेन संशयः, मनःस्वप्नेन संशयः, अद्वयं च द्वयाभासं, अद्वयं च द्वयाभासं, तथा जाग्रन्न संशयः, तथा जाग्रन्न संशयः, अद्वयं च द्वयाभासं, मनः स्वप्नेन संशयः, अद्वयं च द्वयाभासं, तथा जाग्रन्न संशयः। इस प्रकार स्वप्न में आप अकेला होते हैं, आप अकेला होते हुए और मान लीजिए अपना अस्तित्व को समझ में नहीं आ रहा है, परंतु मन अकेला ही अधिष्ठान के साथ मिल करके सारा वस्तु को कल्पना कर लेता है। अद्वयम च वो एक होते हुए भी द्वया भाषण ग्राह्य भाव भाव में अनेक चीज को होता है। मुख्य द्वैत द्वैत का आवश्यक क्या है, एक ग्रहण करने वाला एक ग्रहण करने के को वस्तु, ये तो भेद होता है ना, एक कर्ता और भोक्ता और भोक्तों के वस्तु, ग्रहण करने वाला ग्रहण करने के को वस्तु, इस प्रकार से एक द्वैतता का भेद होता है। वो अकेला होते हुए अकेला मन ही अपने आप को मतलब विषय रूप में भी वही व्यक्त कर लेते हैं और फिर अपना विषय को जानने वाला विषय रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं। सपने में भी मेरे को पढ़ने का होगा तो मैं चश्मा ढूंढ रहा हूँ, हाँ चश्मा फिर कौन बना, पुस्तक भी मन बना, पढ़ने वाला भी मन बना, चश्मा भी मन बना, और कौन बना, हमारा तो कुछ है नहीं, हमारे पास कोई साधन है नहीं। एक मन जो है करण भी बनता है, कर्म भी बनता है, कर्ता भी बनता है, मन ही सब कुछ बनता है। दया भाषण मन स्वप्न न संशय, इस विषय में कि दृष्टांत को समझा करके इस विषय में तो किसी का कोई संदेह नहीं है, सभी बातें इस विषय में एकमत है। इसके बोलते हैं उभय मत अविवादम इतिहास न संशय, तो पर एक नंबर टिप्पणी लिखा है उभय मत अविवादम, सभी वादियों के मत में इस विषय में कोई विवाद नहीं है कि स्वप्न में अकेला ही होते हैं मन और वो जो है अपने को अनेक रूप में भी व्यक्त कर लेते हैं, कर्ता रूप में, कर्म रूप में, करण रूप में, संप्रदान रूप में। किसी को कुछ देना होगा वो भी हम मन से बना लेते हैं, किसी से कुछ लेना होगा वो भी हम मन से बना लेते हैं, किसी के संबंध करने का उसी को हम बना लेते हैं, कहीं पर मेरे को बैठना होगा उस भी हम बना लेते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान बदान संबंध अधिकार सब मन बना लेते हैं, अकेला मन सब। इस विषय में तो किसी का कोई विवाद नहीं, इस विषय में कोई विवाद नहीं। ठीक इसी प्रकार यही मन तो है आपका, यही मन का आपका जागृत में भी काम करते हैं, क्योंकि आप स्वयं बोलते हैं जो मैं सपनों देख रहा था वही मैं अभी जागृत कर लूँ, जो मैं जगा हुआ था वही मैं सपनों देखा था जो मैं जागृत में देखा था, यानी कि अपनी अनुवृत्ति तीनों अवस्था में मन स्वयं अनुभव करते हैं। जागृत काल में जो मैं था वही मैं जागृत वस्तु को वही मैं सपनों में देखा, और जब सो गया था ना कुछ भी नहीं था फिर भी मैं आनंद से सोया। तो देखिए जागृत में आपका इंद्रिय और इंद्रिय जनित विषय उसके साथ मैं हो गया देखने वाला, और विषय और इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं। स्वप्न काल में ये स्थूल शरीर चला जाता है और मन ही ये अपना विषय अपने को विषय बना करके विषय विषयीकरण इस रूप में सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करता है, जागृत में स्थूल वस्तु को ग्रहण करते हैं और स्वप्न काल में सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करते हैं, और सुषुप्ति काल में इसको ग्रहण करते हैं, इसका ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने अज्ञान को ग्रहण करते हैं, अपने अज्ञान को जानते हैं आप, उठ करके बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं जाना, और अपुष्ट चित्ते मैं आनंद से सोया, मतलब विषय के साथ संबंध होने पर भी एक देखिए मैं की अनुवृत्ति आ रहा है, बाल्यादिशु जागृतादिशु तथा सर्वासु अवस्था सब व्यवृत्ताशु अनुवर्त मानो अहमित अंतस्थ स्वात्मान प्रभुति, इस प्रकार से अपने स्वरूप को हमेशा अभिव्यक्त रखते हैं। मुद्र या भद्र, यही भद्र मुद्रा है कि जो कभी व्यभिचार नहीं करता, क्या मैं करके अंदर को भी प्राप्त हो रहा है, तस्मय स्वीकृत मानते हैं नाम श्री दर्शन।
है ना, तो यही जो है सारा कागज का एक ही तत्व में हमारे मन ही जो है जागृत काल में भी व्यवहार करते हैं और स्वप्न काल में व्यवहार करते हैं। जैसे स्वप्न में अकेला होते ही अनेक वस्तु को बना के व्यवहार करते हैं, जागृत काल में भी ऐसे ही अपने वासनाओं के अनुसार आप इसीलिए मनोराज्य बंधन के कारण अपने मनोराज्य से अपने वस्तु को बना करके उसमें व्यवहार करते रहते हैं। इस विषय में कोई संशय नहीं है। दृष्टांतों में यदि हम समझ जाएंगे तो दृष्टांतों में भी ऐसे घटा करके देखो अब दृष्टांत इसको समझाएंगे अच्छी तरह से। कैसे समझाएंगे कि देखो कि इसमें कि मन मतलब अज्ञान सत्य द्वैत सत्य मतलब मन व्यवहार जब होता है तब हमको द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ता है, जब मन व्यवहार नहीं करता तब द्वैत प्रपंच नहीं दिखाई पड़ता। ये अनुभव में आता है आपको कब? सुषुप्ति में। और आप ध्यान करो थोड़ा सा मन के एकाग्र करो द्वैत प्रपंच नहीं दिखे, ये तो सबका अनुभव में आता है। तो क्या हो गया? मन सत्य द्वैत सत्य मन अभाव है द्वैत अभाव। अगले श्लोक में बोलेंगे व्याप्ति दिखाई पड़ते हैं। जब थोड़ी देर के लिए कोई भी साधक थोड़ी देर के लिए भी मन को थोड़ा सा भगवान में लगाना पड़ता है तो संसार प्रपंच उनके सामने एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो दूरीभूत हो जाता है। ये तो सभी साधक का अनुभव है। ठीक है, बाद में उठ करके व्यवहार करते हैं, जैसे हम सुषुप्ति में जाते हैं उठ करके अज्ञान नाश नहीं होता इसलिए उठ करके फिर शरीर के साथ आध्यात्म करके व्यवहार करते हैं वो अज्ञान के कारण। लेकिन जागृत काल में बैठ करके ऐसा धीरे 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 आप अपनी सुषुप्ति अवस्था नाश सकते हैं। उस समय जैसे ही पूर्व जन्म मतलब ज्ञान के लिए जो प्रतिबंधक है वो दुखी क्षय होते ही वो आपका स्वरूप का अनुभव आपने उसकी कोई और किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता अपने आप ही अनुभव। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अद्वयम से गया अस्मि, तीनों अवस्था में मैं दृष्टा हूँ और विषय अलग अलग है इसको भी समझते हैं तब जाके आपकी दृष्टित्व निश्चय हो जाएगा। या तत्काल में सारा विश्व प्रपंच मेरे लिए दृश्य है, कहाँ तक विश्व प्रपंच है? विश्व प्रपंच कहाँ तक है? अपने मन अहंकार तक, यहाँ तक विश्व प्रपंच है। इससे तो इससे आप अपने बालक कर पाए, ये हमसे भिन्न है तो आसान है, परंतु ये भी हमसे भिन्न है केवल इतने नहीं सूक्ष्म मन सूक्ष्म शरीर की वृत्तियाँ उस सब को हम देखते हैं, है ना। इसीलिए अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि मान लीजिए आपको दृष्टा दिखाई ना दे रहा है परंतु विश्व समझ में आ रहा, अहंकार को कौन देख रहा है साक्षी हमको विश्व रूप में नहीं आ रहा परंतु दृश्य समझ में आ रहा है, तो दृश्य कभी भी दृष्टा के बिना अभिव्यक्त नहीं हो सकता, इसलिए दृष्टा है कि नहीं। कभी भी जब दृश्य को समझ में आता है दृष्टा के बिना दृश्य समझ में आना संभव नहीं, तो दृश्य जब समझ में आ रहा है दृष्टा नहीं दिखाई देने पर भी तो दृष्टा अंतर है, ये तो हम नहीं समझ पाए। इसी प्रकार से तीनों अवस्था में एक जगह पर हमारा सुलभ हो प्रविविक्त हो और अज्ञान हो, ये तीन अवस्था तब जाके हम इससे भिन्न आपको तो समझ पाए। तो यहाँ पे बोलते हैं अद्वयम से दया भाषवी मतलब भेद रहित होते हुए भी ये द्वैत का आभास है कि मन की स्पंदन मात्र स्पंदन मात्र संस्कार से इकाई भाव का भोक्ता भोग प्रभाव मान रखा है। जैसा स्वप्न में है ये तो आपको स्वप्न में समझ मान लिया, ऐसे जाता नहीं, ऐसे जाता नहीं। आप खुद देखिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु सभी व्यक्ति एक ही वस्तु देख रहे हैं पर तो सभी के मन में अलग अलग भाव है। जब भी वस्तु में वस्तु दृष्टि होती तब क्या होता सभी पे एक ही प्रकार अनुभव, परंतु मन के ऊपर निर्भर जैसे मनोदृश्य क्योंकि सबका अलग अलग भावना उत्पन्न होता है, क्यों? मन के ऊपर निर्भरित करके वो वस्तु हम नहीं होते, इसीलिए मन ही जो है मुख्य रूप से आगे बोले। अब देखना विवेक पुराण में एक श्लोक आया है, नहीं अस्ति अविद्या मन शांतर मन ही अविद्या भगवान भवे तस्मिन विजृंभित सकलम विजृंभित विनष्ट तस्मिन सकलम विनष्ट, मन को नाश तो नहीं होगा परंतु मन मनोवृत्ति के ऊपर ध्यान रखते 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 धीरे धीरे उस वृत्ति को जब शुद्ध चेतन मत ब्रह्माकार वृत्ति में बदल सकते हैं तो क्या हो जाएगा अल्टीमेट जो आकार नाश हो करके प्रतिष्ठान के साथ मन के एक होकर के व्यापक भाव में स्थित हो जाता है। परिच्छिन्न व्यवहार जब शरीर के लिए कुछ है तो होता है परंतु उससे अपने व्यापकता की जो भाव वो कभी क्षुण्ण नहीं होगा, वो ऐसे ही बना रहे। इसीलिए रज्जु रूपेण आप उसका भाष्य कर दृष्टांत भावम भावम विभाजते टीका में भाष्यकार के लिए उपाख्या दे रहे हैं।
कि दृष्टांत भाव को दृष्टांत दिया मन को उसको संदृष्टांत भाव हम विभाजते रज्जु रूपेण सर्व इव परमार्थत आत्मरूपेण अद्वयम सत गया भाषण मन सपने का संशय। जिस प्रकार जो भी कुछ हमको वहाँ पे रज्जु है सर्प तो है नहीं परंतु व्यवहार कहाँ दिखाई देता है सर्प में क्योंकि रज्जु का ज्ञान नहीं है। यदि कुछ भी वहाँ पे हिला डुला होगा हवा से तो कौन हिला रज्जु हिला सर्प वहाँ पे परंतु हम क्या सोच रहे हैं सर्प मेरे को काट में आना क्योंकि डर बैठा हुआ है। इसीलिए आप बोलते हैं रज्जु रूपेण सर्प इव रज्जु रूप से सर्प व्यवहार करना है क्योंकि सर्प हमारे मन में बैठा उसे सर्प उसी प्रकार से परमात्मा आत्मरूप परमात्मिक आत्मा उस आत्मा के साथ एक होकर के मन मन व्यवहार कर रहे हैं और आत्मा में वास्तविक कोई स्पंदन होना संभव नहीं है परंतु दृष्टांत और राष्ट्रांत में इतना भिन्नता है कि रज्जु में कुछ होने पर सर्प में दिखाई देगा और हमारे यहाँ के अधिष्ठान में कुछ होना संभव ही नहीं है परंतु मन में होना संभव उपाधि में होना संभव है। दृष्टांत और राष्ट्रांत में कुछ एकता है कुछ भिन्नता नहीं तो दृष्टांत और राष्ट्रांत बनेगा ही कुछ सिमिलरिटी को लेकर के उतना हिस्से में हम दृष्टांत देते हैं यदि पूरा मिलाने जाएंगे कभी नहीं मिल पाएगा तब तो दोनों एक ही वस्तु होगी दोनों एक ही वस्तु होगी। दृष्टांत और राष्ट्र में इतना भिन्नता है कि रज्जु में कुछ वाइब्रेशन होता है तो सर्प में हो रहा है काफी हम करते हैं परंतु हमारे यहाँ पे अधिष्ठान पूर्ण है व्यापक है वहाँ पे तो कुछ भी होना संभव नहीं है परंतु उपाधि जो हमने मन में बैठा रखा है उसमें तो मनोविज्ञान संस्कार वहाँ पे बेकार होना संभव है किंतु अधिष्ठान के साथ एक होकर के विद्यमान है। इसीलिए हमको लगता है कि उसमें दिखा दो उसमें दिखा दो। इसीलिए बोलते हैं रज्जु रूपेण सर्प एव परमार्थत आत्मरूपेण परमात्मिक इस आत्मरूप से कुछ मन अद्वयम जो भेद रहित है सब भेद रहित आत्मरूप होते हुए भी गया भाषण ठीक है इसको ध्यान दीजिए परमार्थ आत्मरूपेण अद्वयम सत पारमार्थिक आत्मा के साथ अभिन्न होते हुए गया भाषण मन मैंने मन में द्वैता भाष के प्रतीत होते हैं कब सब इस विषय में कभी इसका कोई शंका नहीं है न संशय यदि इस भाग को हम निश्चय कर लेते हैं तब इसके बोलते हैं नहीं स्वप्ने हस्तादि ग्राह्यम तत्ग्राहकम व चक्षुरादि द्वयम विज्ञान व्यतिरेके न अस्ति ठीक है ना। भाष्यकार क्या बोलते हैं क्योंकि देखो स्वप्न में आपने देखा बहुत बड़ा एक हाथी ठीक है ना वो हो गया ग्राह्य वस्तु और उसको ग्रहण करने वाला कौन है आँख ठीक है ना। तो आँख को भी आप इस जो आँख से इस समय जागृत काल में व्यवहार कर रहे हैं स्वप्न में इसी आप व्यवहार करते कि नहीं करता नहीं स्वप्न में आप कल्पित आँख को तैयार कर देते स्वप्न में कल्पित आँख को तैयार कर देते तो क्या होता है कि जो आपने ग्राह्य वस्तु को भी ग्रहण तैयार किया मन से और ग्रहण करने लग रहा उसको भी आँख को भी आपने तैयार किया तो कौन तैयार किया एक मनी तैयार किया एक मनी भी तैयार किया आप एक करण को भी तैयार किया और करता मैंने हाथी को देखा मैं हाथी के पीठ में बैठा ये भी जो अनुभव होता है संसार में इसी का ऐसा मन ही अपने आप को बना लेते हैं। इसलिए नहीं स्वप्ने हस्तादि ग्राह्य तद ग्रहकम बा चक्षुरादि द्वयम वो जो हस्तियादि ग्राह्य वस्तु उसको ग्रहण करने वाला चक्षुरादि ये भेद जो भी कुछ दिखाई पड़ता है विज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति अतः स्वप्नद्रष्टा रूपी जो शुद्ध चेतन तत्व उससे भिन्न करके कुछ नहीं है। विज्ञान व्यतिरिक विज्ञान क्यों बोलता है मन अभी अधिष्ठान के साथ एक रूप करके व्यवहार करते हैं इसलिए बुद्धि से अथवा मन से अंतकरण से भिन्न करके कुछ भी वस्तु वहाँ पर नहीं है इतना अपना हमको समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार जागृत में भी देख लो जागृत अभी तथा वही अर्थ जागृत भी ऐसा ही जागृत भी ऐसा ही जागृत भी मरण क्योंकि संसार में किसी जगह पे यही एक निष्ठा नहीं मान लीजिए अभी आपको समाचार में देखिए एक भारी यहाँ पे गिर गई थोड़ी देर के लिए वहाँ पे कई व्यक्ति घायल हो गए कभी मर गए। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो इन लोगों में से कोई आए हुए थे हम सभी सुन रहे हैं एक बात सुन रहे हैं थोड़ा उद्योगी हो परंतु उद्विग्नता किसके अंदर होगी जिनके मन में ये है कि हमारे लोग आज की गाड़ी में गए हुए थे यहाँ पर उनका छुटे हुए तो एक ही घटना एक ही है परंतु मन कैसे उसको ग्रहण करते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं आपके व्यवहार हर जगह पे ऐसे ही हर जगह पे ऐसे ही इसे जब भगवान भाष्यकर का दृष्टांत देते हैं कोई राजा थे
वो राजा अपना कुंडल आदि सब कुछ व्यवहार करते थे, परंतु अब जो है वो सब कुछ छोड़ करके सन्यासी हो गए। अब उस बात कोई कहता है कि आपका राजकुमार चोरी हो गया, उसके अंदर विक्षिप्त जीव उत्पन्न हो गया, क्यों मन से संपर्क छोड़ गया। परंतु जिस समय मैं उसको व्यवहार करता था, एक भी चीज इधर उधर है वो कहाँ है खिलाफ, इसीलिए मन ही जो है व्यवहार के लिए व्यक्ति होता है, मन ही ग्राह्य धर्म भाव को तैयार कर देता है। इसलिए बोलते नहीं अस्ति स्वप्ने हस्ता दे ग्राह्य अंतर पंबा चक्षुरादि विज्ञान व्यतिरिक नास्ति जागृत अभी तथे व्यक्त, जागृत भी इसी प्रकार से ही है। रश्मा परमर्थ स्वर विज्ञान मात्र अविशेषा, ये जो परमर्थ स्वर जो विज्ञान रूप है ज्ञान रूप है, इससे भिन्न का संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है। अब दोनों में मतलब ग्राह्य में फिर ग्रहण में और ग्राहक में तीन में कोई विज्ञान ही जो है उपाधि के कारण अलग अलग रूप में प्रतिपि होते है, उसी तत्व भिन्न कुछ भी नहीं है। किसी को समझाने की अति करना दृष्टान्त भावन विभजते रज्जु। अच्छा दृष्टान्त चैतन्य अतिरिक्त ग्राह्य ग्रहक भेद से मनस्पंदित असत्यम साधयति। दृष्टान्तों में चैतन्य से भिन्न करके जो हमको एक ग्राह्य और ग्रह भेद में ग्रहण करने वाला एक ग्रहण करने जो वस्तु इस प्रकार से भेद हमको दिखाई पड़ता है वो क्यों हो रहा है, वो मन स्पंदन के कारण, मन के स्पंदन के कारण विज्ञान चैतन्य अतिरिक्त ग्राह्य भेद मन स्पंदित असत्यम, मुख्य रूप से चैतन्य अतिरिक्त असत्यम चैतन्य से भिन्न करके किसी का सत्ता ही असत्य उसका सत्ता ही सिद्ध नहीं होता। इस कारण से इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, नहीं स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्य ग्रह कम्बा चक्षुरादि द्वयम विज्ञान व्यक्ति न अस्थि। ऐसा स्वप्न में तो आता नहीं जो समझ में आता है, परंतु जागृत में लगता है कि अलग अलग वस्तु दिखाई पड़ते हैं ना, तो ये सब अलग अलग है, तब भी अलग अलग नहीं है, ये सभी के अंदर वही एक सच्चिदानंद विज्ञान ही सबके अंदर सब स्फूर्ति प्रदान करके जो है हमारे सामने अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हो। जन्मांतर संस्कार है इस प्रकार कर्ता भोक्ता रूप में व्यवहार करने का, और उसको हम मन स्वीकार कर लेते हैं। यथेव जागरित अभी परमार्थ आत्मस्वरूप अद्वयम सन मन ग्राह्य ग्रह दैव आकारेण अपभाषण की, इसी प्रकार से इस प्रकार स्वप्न अवस्था में उसी प्रकार जागृत की जागृत काल में भी परमात्म आत्मस्वरूप न परमात्मिक जो आत्मा है उस आत्मा के साथ एक होकर के स्वरूप होकर के आत्मस्वरूप होकर के जो भेद नहीं है अद्वयम सन भेद नहीं जो परमात्म तथैव जागरिते अपि परमार्थ आत्मस्वरूपेण अद्वयम् सन् मन पारमार्थिक आत्मस्वरूप के साथ अभिन्न होते हुए ये जो मन है ना ग्राह्य ग्रहक द्वैत आकारेण वही मन जो है मतलब ग्रहण करने वाला और ग्रहण करने जो को वस्तु वो मन ही बन जाता है आकारेण अपभाषते। ये विज्ञान मतलब मन को धारण करके अलग अलग रूप में प्रतीति होते हैं हमारे सामने, एक विज्ञानी पारमार्थिक सत्य वस्तु है जैसा स्वप्न में ऐसे जागृत तथा च परमार्थ सत विज्ञान मात्र अवस्था द्वय अभी विशेष अभाव। इसके फलस्वरूप क्या हो गया, वो जो परमार्थिक सत जो विज्ञान जो व्याप्ति मात्र है बोध स्वरूप है इतना ही मात्र दोनों अवस्थाओं में मतलब जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में अभी विशेष अभाव कोई भिन्नता नहीं है, वो एक ही रूप है हमेशा एक ही रूप में रहता है, इसलिए वही मन को माध्यम बना करके अनेक रूप में अभिव्यक्त हो जाए। तथा च परमार्थ सतह विज्ञान मात्र अवस्था द्वैर पारमार्थिक सत्य विज्ञान मात्र स्वरूप है ज्ञान की मात्र बोध स्वरूप है जो उसके दोनों अवस्था में उसमें कोई विशेषता की अभाव होने के कारण तस्मिन एव अधिष्ठान उसी अधिष्ठान के ऊपर माया कल्पित मनस्पंद माया से कल्पित जो मन है वो मन के स्पंदन मन के स्पंदन है। दृष्टान्त दृष्टान्त में ध्यान रखना कि यद्यपि दृष्टान्त में रज्जु के स्पंदन को हम सबको स्पंदन रूप में समझ लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास जो शुद्ध पूर्ण व्यापक चैतन्य है वहाँ पे पारमार्थिक स्पंदन होना संभव नहीं है, परंतु जैसे चिदाभास अंतःकरण में प्रतिफलित होकर के इस प्रकार घरे के अंदर सूर्य के प्रतिबिंब में चलन दिखाई पड़ते हैं।
इसी प्रकार यहाँ पे आत्मा में चलन की प्रतिबिंब प्रतिबिंब खड़े प्रतिबिंब में जब सूर्य के जल में प्रतिबिंब होते हैं घर में तो वहाँ पे जल की हिलने के कारण वो मंत्र लगते हैं कि सूर्य भी हिलने ठीक इसी प्रकार चिदाभास मतलब अंतकरण प्रतिफलित चेतन वो अंतकरण की विक्षिप्तता मन वासना के कारण वो चेतन मतलब शुद्ध चेतन वाइब्रेशन जैसे प्रतीति होती है स्वरूप से मतलब जैसे मतलब विविष्ट जो सूर्य है वहाँ पे कोई चरण कुछ भी नहीं है किसी प्रकार शुद्ध व्यापक चेतन में कुछ भी नहीं है परंतु प्रतिफलित जो चेतन चिताभास है वहाँ पे प्रतिफलन में वो विक्षेप दिखाई पाते हैं और प्रतिबिंब तो सत्य वस्तु होता नहीं है परंतु वहाँ पे पारमार्थिक सत्य वस्तु की नियुक्ति द्वयाकार अंगीकारा न कारण द्वय संकेत मतलब वो जो दो आकार में दिखाई पड़ रहे हैं क्या क्या एक ग्राहक आकार एक ग्राह्य आकार तो दो आकार में दिखाई पड़ रहे हैं तो दोनों अलग अलग वस्तु होगा तो बोलते ऐसा शंका नहीं करना चाहिए द्वयाकार अंगीकार आपने तो दो आकार में दिखाई पा रहा एक ग्राहक आकार एक मतलब एक विषय आकार एक विषयी आकार तो दो कारण होना चाहिए क्योंकि विषय तो जड़ होता है और विषय चेतन होता है ग्राह्य जड़ होता है तो ग्राहक जो चेतन होता है तो आपको दो उपादान होना चाहिए एक जड़ात्मक उपादान एक चेतनात्मक उपादान दो होना चाहिए तो ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है विभक्त सब कुछ कल्पना कर उसके बोलते हैं दया कारण अंगीकार न कारण द्वय संकेत दो कारण की शंका नहीं करना चाहिए किसी को मान में रखिए जागृत अभी कठिन उपलब्ध जागृत काल में भी जैसे स्वप्न में होता है एक अधिष्ठान है और मन के स्पंदन के कारण अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं इसका भी प्रयोग करते हैं परमार्थ सर्वान मात्र विशेष है क्योंकि वो जो पारमार्थिक सर जो व्याप्ति स्वरूप है बोध मात्र है वो जागृत में स्वप्न में सुषुप्त में सभी अवस्था में एक ही रूप में रहते हैं इस कारण से वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है यदि कुछ प्रतिकूल हो रहा है तो उसके ऊपर कल्पित वस्तु में वो भिन्नता दिखाई पड़ती है आरोप अधिष्ठान के ऊपर आरोप करते हैं तो कहाँ पे प्रतिक्रिया इसमें कहें तेरहवें अध्याय पुरुषों प्रतिस्थि भूमते प्रतिदान गुणा कारण गुण संघर्ष सदस्य योगिकांशु पुरुष प्रकृति स्त्र क्या हुआ प्रकृति हो गया अंतकरण पुरुष हो गया व्यापक परंतु उस अंतकरण में प्रतिफलित होकर मतलब उसके ऊपर सब एक होकर के तादाद होकर के क्या करते हैं भूमि प्रकृति ज्ञान गुणा प्रकृति से उत्पन्न हो जाए गुण अगर संबंधित हो वो पुरुष में प्रकृति होती है ना भगवदगीता में भगवदगीता में तेरहवें अध्याय में पुरुष प्रकृति स्थूली भूमि प्रकृति ज्ञान गुण कारण गुण संघर्ष सदस्य जोड़ी जाए इसी कारण से मतलब वो जो प्रकृति के साथ तादात्म्य करके व्यवहार करते हैं ना इसी के कारण से उसको जो अलग अलग सदस्य जोड़ी में जन्म लेना पड़ता मतलब पुरुष को तो नहीं सूक्ष्म जीवी जन्म लेता है पुरुष उपहित होता है उपहित पुरुष जन्म लेता है ये पुरुष जो प्रकृति स्थूली ये जो प्रकृति हो गया हम जिसको चिदाभास बोलते हैं अंतकरण के ऊपर प्रतिफलित होकर अथवा इंड्यूस्ड होकर प्रतिबिंबवाद भी है आभासवाद भी है ना दोनों हम यहाँ पे जा सकते हैं अवच्छेदवाद भी है पर कहाँ पे अवच्छेद में तो होता नहीं है आभास तो होता है ना इस प्रकार चेतन अधिष्ठान है तो उसको फील्ड में जो भी कुछ आएगा वो चेतन रूप में प्रतीति होगा और वो चेतन के अंदर एक मैं अहम करके प्रतीति होती है इसीलिए वो जिसके इंड्यूस करेगा वो मन भी मैं बुद्धि भी मैं शरीर भी मैं इस प्रकार से वो प्रतीति होती है और जो प्रतिबिंब में क्या होता है जैसा बिंब है उसका प्रतिबिंब पतन क्या होता है प्रतिबिंब जहाँ पे प्रतिबिंब होता है उसकी धर्म के साथ अमित होकर के प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है यदि मान लीजिए आपके पास ग्लास थोड़ा सा कम के बदल कॉन्वेक्स हो जाए आपको कहना मेरा शरीर दिखेगा ही नहीं दिखेगा बड़ा शरीर छोटा दिखेगा छोटा शरीर बड़ा दिखेगा हाँ बड़े बड़े दिखेंगे या कभी कभी मैदान में ट्यूशन लगते हैं बच्चों को जाते या आपका शरीर में वास्तविक ऐसा भी परिवर्तन हो जाता है क्या नहीं होता केवल मात्र उस ग्लास की ठीक इसी प्रकार हम भी जीवों के अंतकरण में जो दर्पण है उसमें अलग अलग मतलब संस्कार होने के कारण हम अलग अलग प्रकार से एक शुद्ध चेतन अलग अलग रूप में प्रतिक्रिया करते हैं ये मुख्य वेदांत के क्षेत्र आप इसी को स्पष्ट करके समझाने के लिए हुआ कैसे पुष्ट होता है मनोमात्रम द्वैतव्य प्रमाणम आह ये मन ही भेद रूप में द्वैत रूप में प्रतीति हो रहा है इस विषय में प्रमाण तुम्हारा अपना अनुभव है प्रत्येक व्यक्ति को अपना अनुभव है मन के कारण ही द्वैत दिखाई पड़ता है क्योंकि मन का अनुभव पाते हैं तो द्वैत नहीं दिखाई देगा सबका अनुभव है अब उसी को अपना है ग्रंथ का
मनो मात्रम द्वैतम, जो भी द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ता है कि मतलब मन मात्र ही है, क्योंकि अत्र प्रमाणम आप इस विषय में प्रमाण को कहते हैं। श्लोक मनो दृश्यमिदं द्वैतम, मनो दृश्यमिदं द्वैतम, यत्किञ्चित् सचराचरम्, यत्किञ्चित् सचराचरम्, मनसो यमनि भावे, मनसो यमनि भावे, दैतं नैव उपलभ्यते, दैतं नैव उपलभ्यते, मनो दृश्यमिदं दैतं, यत्किञ्चित् सचराचरम्, मनसो यमनि भावे, दैतं नैव उपलभ्यते। सारा विश्व को परिचित दिखाई दे रहा है कि मन का ही है, मन ही इस रूप में दिखाई पड़ता है। मनो दृश्यम इदम द्वैतम, दो नंबर टिप्पणी में देखिए, मनो दृश्यम मनसा दृश्यते कल्पते यदि मनो दृश्यम, मन के द्वारा देखा जाता है, कल्पना किया जाता है, इसलिए मनोदृश्य होता है। मनो कल्पना मात्र उसके कल मन की कल्पना मात्र ही रूप है ये मनोदृश्यम इदम द्वैतम, जो भी भेद प्रपंचित दिखाई पड़ता है। जब किंचित सचराचरम स्थावर जन्म जन्म मात्रम, जो भी कुछ जगत दिखाई पड़ता है ये सब मन का ही कल्पना है। क्यों देखो अपने आप देख लो, मन से ही अमन ही भावे, मन को यदि अमन कर सकते हो, मन को यदि रोक सकते हो, नहीं तो नहीं रोक लगता तो भेद आपको नहीं दिखेगा, भेद आपको नहीं दिखेगा। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में आता है, मन को यदि हम अपने मतलब थोड़ी देर के लिए वो निरोध कर पाते हैं तो फिर भेद को प्रति नहीं दिखाई पड़ता। आपके लाइन में अपनी जिस प्रकार से मतलब ये सुषुप्ति हमारे लिए भगवान दृष्टांत बना दिया और साधन बनाया कि उस अवस्था में पहुँचने के लिए आप जब समाधि अवस्था में जाएंगे अथवा अकेले में बैठ करके आपने भी रहेंगे बस आपकी तब क्या होता है कोई दो तो बच्चा को मतलब परेशान नहीं करते ना कोई दिखाई पड़ता। इसलिए बोलते हैं मनुष्य ही ममानी भावी अन्य पैदे ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिस प्रकार अग्नि हमारा जहाँ पे धुआं होगा वहाँ पे अग्नि होगा, जहाँ पे अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जहाँ पे मृतिका है वहाँ पे घड़ा है, जहाँ मृतिका नहीं है वहाँ घड़ा नहीं है। इसी प्रकार जहाँ मन व्यापार है वहाँ पे देव प्रपंच है, जहाँ मन व्यापार नहीं है वहाँ पे देव प्रपंच है। इसी को मन में रखते ये सभी का अनुभव में आता है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला इसको कर्तुम सुषुकम फलम अव्यम न राजविद्य राजगुह पवित्र वेदम उत्तम प्रत्यक्ष अवगमम। आप यहीं बैठ के इसको अनुभव कर सकते हो तो बहुत कठिन होगा, मतलब नहीं कर्तुम सुषुकम ये करना आसान है, भाई किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने ऊपर अपने विचार के ऊपर ध्यान दे। और ये धर्म से छोड़ करके नहीं है, धर्म आचरण करने के लिए आपको मंदिर जाना इधर जाना जब यहाँ कई चीज़ें इकट्ठा करना कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये भी हमने दे रखा उनको साधन एक मन यही पर्याप्त है सारा चीज़ इकट्ठा करने के लिए, कर्तुम सुषुकम फलम फल इसका वैध ही। इसलिए यहाँ पे बता रहा कि आप यही भी इसको अनुभव कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए भी मन हम रोक पाते हैं, हमें वैद्य प्रपंच से कुछ भी असर नहीं होता। यही हम जैसे ही हम मन के साथ तादात्म्य कर लेते हैं उसी साथ उसी के साथ ही हमारे वैद्य प्रपंच से सुख दुख का अनुभव होता है। मनो दृश्यम इदम वेदम जिस सचरा है मनुष्य ही अमन ही भावे, मन को यदि आप अमन भाव में ला सकते हैं तो क्या करेंगे, मन को अमन करने के लिए मन को नाश करेंगे, बुलडोजर लेकर के उसको नाश करेंगे, ऐसा तो होना संभव नहीं है। तो क्या है ये जो वासनात्मक जो वृत्तियाँ उठती हैं ना उस वासनात्मक वृत्तियों को कम करें, ये तीन चीज़ है। वासना, वासना से क्या होता है कि हमारा क्रिया और क्रिया से जो है हमारा क्या होता है कि संस्कार में वृद्धि, वासनात्मक संस्कार में वृद्धि मुख्य रूप से वासना, वासना से क्रिया, और क्रिया से क्या होता है जिस वासना को हमारे के कारण हमने प्रत्यक्ष को संपादन किया वो फिर बढ़ती है, वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए एक गृहरंगन में बड़ा सुंदर स्वप्न आता है, शब्द आते हैं पुरुषों को स्वप्नांग ब्राह्मण है, पुरुषों को अक्षिति रोज 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 इतना लोग अन्न खाते हैं कि फिर अन्न समाप्त क्यों नहीं होता, रोज पूरा विश्व में कितना अन्न लोग खाते हैं फिर वो अन्न समाप्त क्यों नहीं होता। तो बोलते हैं कि
जितना खाते हैं वो उतना उत्पन्न भी तो कर लेते हैं, इसलिए समाप्त नहीं होता। इतना दृष्टांत तो देखा कि आप ज्यादा दिखा रहे हैं, ये जो हम इतना प्रारब्ध भोगते हैं तो प्रारब्ध तो समाप्त क्यों नहीं है, प्रारब्ध समाप्त क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि हम प्रारब्ध भोगते हुए नया प्रारब्ध उत्पन्न करते, नया प्रारब्ध उत्पन्न करते, फिर फल अधिकार एक समाप्त होकर दूसरा शुरू होता है। कि अब जब हमें अब नया प्रारब्ध उत्पन्न क्यों होता है, अब इसके ऊपर दृष्टि दी, नया प्रारब्ध उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस मनोगत कुछ वासनाओं को कारण इस वस्तु को देख कर तो मुझे अच्छा लगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे को जिस वस्तु को अच्छा लगा उसी के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, फिर क्या होगा, वो जो संस्कार इसको अच्छा लगने के लिए जो संस्कार अंदर था वो संस्कार को हम बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। इस एक वस्तु मेरे पास पहले नहीं था, इसी कहीं से देखा मैं इसका अनुकूल होगा हमारे लिए, इस पहले का अनुकूल भावना शोभना के बिंदु फिर हमने इसको प्राप्त किया, तो वो जो प्राप्त करने के बाद हम इसके साथ व्यवहार करेंगे, इसके साथ व्यवहार करते करते क्या हो जाएगा, इसके कभी जो अनुकूलता की वृद्धि उसका जो लाभ है वो देखेंगे, कोई हमको कहेगा कि नहीं नहीं इसमें खराबी है, उस समय हमको समझ में नहीं, क्योंकि हमारी शोभना बुद्धि रहेगी। और वो क्या करेगा, जो जन्मांतरीय संस्कार हमको इसको प्राप्त करने के लिए अनुकूल बुद्धि उत्पन्न किए थे उस अनुकूल बुद्धि को दृढ़ करेगा, उस दाग को थोड़ा होता है, कि जब कभी भी हम इस प्रकार की वस्तु देखेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा तुरंत दूसरा तरीके, इसी प्रकार से हम हर समय प्रारब्ध भोगते हुए एक नया प्रारब्ध उत्पन्न करते हैं। अब इस समय जब हमको समझ में आया कि यही हमारे बंधन के लिए कारण है, कभी भी मन में किसी भी अनुकूल किसी भी वस्तु को देख करके मन में अगर अनुकूल बुद्धि उठे एकमात्र ईश्वर को छोड़ उस जरूर अतिक्रम स्थान तुरंत मन को समझाए इसमें क्या अनुकूलता दिखाई देगा। जो पुराने संस्कार के अनुसार मन बोलने ही अनुकूल है, तुरंत मन के ऊपर अपने बुद्धि के द्वारा मनिठ है, मन का ईश है, वो बुद्धि के द्वारा मन को प्रतिष्ठित करके मन को समझाइए, अरे भाई ये तो तुम अनुकूल हो, किस चीज़ का अनुकूल है इसमें, क्या ये तुम्हें मुक्ति के लिए ले जा पाएगा, यदि नहीं ले जा पाते तो अनुकूल होता किस बात, तो अब क्या होगा, पहले उसके ऊपर एक हैमरिंग करेंगे, आवश्यकता के अनुसार आप उसको व्यवहार करेंगे, वो आपको उपयोग नहीं कर पाएगा। उसी वस्तु को व्यवहार करते करते होता क्या है, पहले तो हम उसको हमारे व्यवहार के लिए लाते हैं, फिर बाद में क्या होता है, हम किसी का गुलाम बन जाते हैं, हमारे स्वामी जी का लिखा हुआ है पहले यदि अपनी मनोवृत्ति की गुलामी से बचना चाहते हो तो संघ की गुलामी को बन आश्रम, क्योंकि हम लोग व्यक्ति स्वाधीन रहना चाहते हैं, परंतु हम अपने अनजान में अपनी मनोवृत्ति इंद्रिय वृत्ति की गुलामी करते हैं, ये हमको समझ नहीं आता, और वही हमारे संस्कार को बड़ा करेगा बंधन के लिए, समझ में आता है ये, अपने आप जब तक अपने आप समझ में नहीं आएगा तब तक मतलब इसको परिवर्तन नहीं होगा, आप परिवर्तन होने के लिए अपने को समझ में आना चाहिए, आप दूसरे को दिखा सकते हैं, परंतु करना तो अपने को, इसलिए जब कभी भी किसी भी प्रकार की वस्तु को देख करके मन में अनुकूलता की वृद्धि उठे उनके मनोविश्व में दम देखता हूँ जब तुम जिनसे चला जाओ तुरंत मन पे एक बार है ये अनुकूल किस बात को, क्या ये तुम जिस लक्ष्य को हमने निश्चय किया उस लक्ष्य तक पहुँचने में ये मदद करेगा। यदि हमारे अंदर इतना निश्चय है कि बस हम उतना ही मात्र को उसको व्यवहार करेंगे जितना हमारे लक्ष्य की उपयोगी है तब ठीक है, यदि हमारे मन में इतना क्लियर, परंतु होता क्या है इस प्रकार कोई व्यक्ति व्यक्ति में भी मान लीजिए मैं आश्रम में हूँ कि ब्रह्मा जी हम हर काम में मदद करते हैं, दो दिन बाद क्या होता लगता है कि वो नहीं होगा तो हमारे काम नहीं चलता, हमारे स्वामी थे वो बोलते हैं कि आप जाने से अच्छा है कि जाने के लिए बोलते हैं बोलते कि आप यहाँ से थोड़ा सा बाथरूम जाने की इच्छा होती है तभी लगता है कोई साथ में हो तो अच्छा होते ऐसा जीने से क्या लाभ, सर्वम आत्मवसम सुखम सर्वम परवसम दुखम, एक नहीं बोलते इसी प्रकार जीवन में जीते हुए जितना इंडिपेंडेंट जी सकता पर निर्भर होकर एक मत ईश्वर नहीं पड़ता, बाकी आप कुछ के ऊपर निर्भर नहीं करते जितना जी पाएंगे उतना सा आप जो अपने संस्कार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कौन सा संस्कार हमारी लक्ष्य के ऊपर ले जाएगा कौन सा संस्कार में प्रतिबंध होता है उसको उसी को ऊपर दृष्टि रखकर जो संस्कार संभव
तो हमारा नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं हो। अब यदि उस संस्कार के अनुसार काम करेंगे नया प्रारब्ध उत्पन्न होंगे कब मनुष्य मिलन जब तीन चीजें मन को अमन्य करने का यही उपाय है। मतलब मन क्या है कुछ संस्कार के बंदे को मन बोलते मन को अलग करके नहीं दिखा सकते वृत्ति में मन दिखते हैं आप। इस प्रकार मनोवृत्ति को ध्यान दे करके इसे मन आपका किसी प्रश्न होता है कि मन आपका मित्र है अपना शत्रु है आत्म ही बड़ी आत्मा बंधु आत्म ही बड़ी प्रार्थना बोलते हैं कि मन ही आपका मित्र है मन ही आपका शत्रु। जो मन आपका साधन में मदद करता है वो आपका मित्र है जो आपका साधन में विरोधी है वो आपका शत्रु है आत्मशत्रु। इस प्रकार से है कि मनोदृष्टम रहता है इसलिए मैं विवेक बने नहीं हस्ति अविद्या मनुष्य अभी तक अगर देखना चाहते हो तो अपने मन को देखो नहीं हस्ति अविद्या मनुष्य मनो ही अविद्या भवबंध हेतु मन ही अविद्या का रूप है जो हमारे संसार बंध हेतु तस्वीर विद्रिम भी में जैसे मन मुंह बोलते हैं सकल विद्रिम में कम विनष्ट तस्वीर सकल विनष्ट है ना। यदि मनो नाश कर सकते हमारे योग वशिष्ठ में तीन शब्द होते हैं वासना क्षय मनोनाश जैसे जैसे वृत्ति उठती है तो मन मन से अभिव्यक्ति होता है वासनात्मक वृत्ति होती है अब वासनात्मक वृत्ति को निषेध करके जाए उसके इंप्रूवमेंट मन करिए तो धीरे 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 मन अपने आप ही जो है वासना को उठाना बंद करते हैं फिर आप मन को अपना जहाँ पर लगाना चाहते हो वहाँ पर लगाइए तब क्या होगा फिर मतलब ब्रह्मकार वृत्ति और प्रार्थना का वृत्ति मन को बनाएंगे फिर आत्मसंस्कार। कभी भी कर्म करने का संस्कार जितना हम कर्म करेंगे कर्म का संस्कार बढ़ता रहेगा और कर्म का संस्कार बढ़ने से भी वासना भी वासना भी इसीलिए धीरे 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 एक कर्म योग अच्छा है प्रारब्ध से जो कर्म आ जाता है उसको निष्काम भाव से पालन कर वहीं पर छोड़ देता है जो प्रारब्ध से आएगी उसको हम डाल नहीं सकते वो भी आप अपने आप ही देखना आप सोच रहे हैं इस कर्म को नहीं करूँगा लेकिन घूम घूम को आपके पास आ रहे हैं समझना कि ये हमारे लिए शायद भगवान ने बिना किया उसको स्वतंत्र को किसी का वहीं पर समाप्त करके उसका आगे पीने को सोच नहीं तब नया मनुष्य अमन के मन को अमन कैसे करें इसको बाहर से कोई भूल वेदना के नाश नहीं कर सकते केवल वृद्धि के ऊपर ध्यान करके उस वृद्धि को बनाए तब कि हम ज्यादा भी कोई नहीं कोई तब नहीं बोल रहे उसको लेकर के देखिए अनुत्तम अनुद्ध श्लोक तात्पर्य नृत्य को मतलब जो पहले कथन करके आया उस श्लोक की तात्पर्य को भगवान का चुका बोलते हैं रंतु सर्वगत कल्पना रूपम द्वैत रूपे न मन एवं इति उक्तम रज्जु के ऊपर सर्प की कल्पना समान द्वैत एक मन का ही कल्पना है ऐसा कहा है रज्जु सर्वगत विकल्पना रूपम रज्जु सर्प के समान अलग अलग विविध कल्पना विकल्पना रूपम द्वैत द्वैत रूपे न मन एक मन ही अलग अलग रूप से भिन्न 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 रूप में हमारे सामने प्रतीत हो रहा है जैसा एक ही रज्जु भूषित जलधरा माला दंड कई रूप से सर्प कई रूप से प्रतीत हो जाए ये कहा गया रज्जु सर्पवती दृष्टांत हो गया विकल्पना रूपम मन मन एक विकल्प अलग अलग कल्पना है द्वैत रूप में विकल्पना के रखते हैं कि वो द्वैत रूप में भेद रूप में दिखाई पड़ता है मन ही अनेक भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है क्योंकि उनका ऐसा आपने कहा गया तब तक के प्रमाण आपका इस स्टेटमेंट के पीछे क्या प्रमाण है क्या प्रमाण है इसके तब तक प्रमाण भगवान हमको देखे ही गया किम प्रमाण यदि तब होता है अन्वय व्यतिरेक लक्षण अनुमान आह अन्वय व्यतिरेक लक्षण अनुमान मतलब मन सत्य जगत सत्यम मनोभाव इसलिए होता है सबसे बड़ी प्रमाण प्रत्येक मतलब हमको तो लगता है प्रत्येक साधक को कम से कम इतना तो अनुभव हो ही गया कि मन की यदि हम रोक कर पाते हैं तो देखते प्रपंच में दर्शन नहीं तब हम सभी को तो कुछ ना कुछ भगवान ऐसा जरूर एक ऐसा इंसेंटिव भगवान जरूर बीच बीच में देते हैं तो इस मार्ग में टिके नहीं रह पाएंगे यदि भगवान थोड़ा बहुत ऐसा बीच बीच हमें उनके अस्तित्व के प्रमाण हमारे अंदर नहीं देंगे सभी का तो क्या होगा इस मार्ग में टिका रहना ही मुश्किल है सभी साधकों को कुछ ना कुछ मिलता है हमको अच्छा लगता है इसलिए बोलते तात्पर्य क्यों प्रमाण इसमें क्या प्रमाण है कि एक ऐसा प्रश्न होने पर अन्य व्यतिरिक लक्षण अनुमान अन्य व्यतिरिक लक्षण अनुमान को कह दिया तत्र तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे तत्र मतलब इस विषय में सत अद्वय अधिष्ठान माया कल्पित मन
तन्मात्रम च अधिकतम सब भेदरहित अधिष्ठान में माया से कल्पित है मन और उसी और उसी से तन्मात्र अंधकार है माया मात्र ही सारा दैत्य और मन मात्र ही सारा दैत्य प्रबंध है। सब अद्वैत अधिष्ठान है भेद रहित हमेशा एक रूप रहने वाला जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान में माया कल्पित मन माया से कल्पित हुआ मन तन मात्र हमारी मन दैत्य प्रबंध उसके ऊपर मन मात्र ही है मन रहने पर ही दिखाई पड़ता मन नहीं रहने पर नहीं दिखाई पड़ता एक दूसरे में प्रमाण को कहते हैं क्योंकि उसी मन के द्वारा विकल्प माने ना एक नंबर टिप्पण अध्यस्य माने ना जहाँ जहाँ पे उसने अपना चिप अपने को चिपका लिया जहाँ जहाँ अध्यस्य माने ना विकल्प दृश्यम दृश्य मनोदृश्य हमको वो वस्तु दिखाई देने लगती है इसी को बोलते हैं मनोदृश्य जितना भी भेद प्रति दिखाई है सर्व मन प्रतीक है सारा मन मात्र ही है मन की कल्पना मात्र प्रतीक्षा है क्यों ऐसा बोला आपने तद भावे भावा तद अभावे च अभावा ये हो गया हेतु क्या प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु आप दृष्टांत कहाँ देखो सुषुप्ति अथवा समाधि देखो तद भावे भावा तद अभावे अभावा मन मनो भावे दैत्य भावा मनो अभावे दैत्य भावा उस प्रकार आराम से समझ में आए इसीलिए बोला मन से ही अमन भावे मन को यदि आप अमन कर सके मन को अमन करना वट इज दिस प्रोसेस ये सबके लिए एक नहीं होगा जिस प्रकार जो शासन करते हैं जो किसी किसी का जप में भी मन इतना लीन हो जाता है उसको अच्छा करता है किसी किसी को ध्यान में होता है किसी किसी को विचार के तरह योग दर्शन की ध्यान और वेदांतिक मतलब निर्विकल्प समाधि और वेदांतिक निर्विकल्प समाधि में भिन्नता यही है कि योग दर्शन में मन को मतलब समस्त इंद्रियों को निरोध करके फिर जो सभी कल विकल्प विचार आनंद अस्मिता से अस्मितानंद के लेकर के फिर सभी कल्प से निर्विकल्प समाधि में जाते हैं मतलब स्थूल से सूक्ष्म 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 तरह से स्वरूप में जाते हैं कोई विकल्प नहीं होता मतलब कोई उसका अंदर कोई विचार नहीं होता और वेदांतिक है जगत की मिथ्यात् को निश्चय करके सारा इंद्रिय खुला रख करके बार बार तीक्ष्ण विचार दृष्टि से देख देख कर आप निश्चय करते हैं जैसे एक सुवर्णवित भूमि आप कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने घर के कोई मूल्यवान देवताओं को अपने आर्थिक अनटन के कारण कोई सुवर्ण अपराध बताया मेरा घर के देवता उसके बिना में कोई पैसा है कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के दिया हुआ कोई गिफ्ट अंगूठा ला के देते हैं कोई माता अपने कोई देते हैं चाहे सभी सोने के बने हुए हैं अलग अलग उसमें कारुकार्य भी है मतलब जो सुवर्णवित होते हैं उसको अलंकार दिखाई देते हैं परंतु विचार कहाँ रहते हैं सुवर्ण ये सुवर्णवित जैसे ये आत्मविद होंगे ना यदि ऐसा आत्मविद होगा ये अलंकार जैसा दिखाई देगा परंतु दृष्टि तो आपका आत्मदृष्टि जिससे आपका आत्मदृष्टि अवन में दिखाई पड़ता है कोई भी व्यक्ति सुवर्णवित होते हैं वो कहते हैं व्यक्ति उसको अलंकार रहा है मतलब किसने गणेश जी लाया किसने अंगूठी लाया किसने वो लाया परंतु उसको उसका मूल्यांकन नहीं देते उसको तो पैसा देगा किसका पैसा देगा वो कितना सोना है उतना पैसा वो मूर्ति की अथवा अलंकार में कितना आपने कारुकार दिया उसका पैसा नहीं देता है ठीक वो तो जानते हैं मेल्ट करेंगे एक मिनट में चला जाएगा उसका कोई नहीं है नाम को दूसरा बनाना है ठीक इसी प्रकार जब आप आत्मविद होंगे मन को अमन ही कर लेंगे तब क्या हो जाएगा कि प्रपंच की प्रतिदिन होने पर भी आपको उसी के अंदर सच्चिदानंद नहीं दिखाई देगा अलंकार दिखाई देने पर भी जैसा आपको सुवर्णवित को सुवर नहीं दिखाई देता है इसी प्रकार तब तो व्यक्ति पुरुष को इस प्रतियोमान जगत सामने प्रतिदिन होने पर भी उनको तो ईशावश्वर सर्वक ऐसे ऐसा निश्चय किसी को मनों को अमान्य करने से लगा तब भावे भावा तब अभावे अभावा देखिए आप इसे हमारे यहाँ पे क्या है कि यदि मन को ही बंद कर देंगे अद्भुत के अंतकरण को बंद कर देंगे विचार किससे करेंगे तो कौन निश्चय करेगा तीनों काल में इसका सत्यत्व में निश्चय कौन करेगा ये इसलिए हमारे वेदांतिक समाधि में निर्विकल्प समाधि में और योग की निर्विकल्प समाधि में एक भिन्नता है बुद्धिपूर्वक निश्चय हो जाने पर और उसी निष्ठा में फिर मना रहे अपने आप को अनुभव में भी आ रहा है तद भावे भावा तद अभावे च अभावा रहने पर मन रहने पर दिखाई पड़ता है अभाव नहीं होता मन से अमन भावे मतलब निरुद्ध विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्य अभ्यास ये देखें मैं आगे ही छोड़ता हूँ क्योंकि ये थोड़ा फिर एक्सप्लेनेशन को अपेक्षा रखता है विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्य मन को निरोध करने के लिए क्या उपाय है अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध ये अभ्यास क्या करेंगे हम
अद्वैना को कष्ट है ना, ये थोड़ा सा आपको कुछ करके देता नहीं दे रहा, समय नहीं हो गया, कल आपसे आज कौन सा करेंगे सेकेंड वाला। प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेद नाम अंतरस्थम भूतान्यालोकमग्नान्यविरत जनन प्राह घोरे समुद्रे कारुण्यान् उद्धारमृतमिदं मम रहे दूरहं भूतयेतो यस्तम् उच्चाभिपुच्छं परमं गुरुमहं पादपादेन पुरस्मि। Oh.